वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये टॉपिक मैंने हिंदी में लाया हूं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो सके, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर एक बार उन्हें भी हिंदी में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उन्हें भी बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो वह शाखा जिसमें महाबलों के प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा अन्य आवेश वाहकों के गुणों, व्यवहारों एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ ध्यान रखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो आवेश हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके फ्लो को यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखें तो ऋण आवेश होता है, और इसका आवेश होता है 16×109 कुलाम। इसकी यूनिट याद रखिएगा आप, ये कुलाम होता है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कि यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी कुलाम, जिसे इकाई ऋण आवेश माना जाता है। और द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 9×10 और 31 किलोग्राम होता है, और जिसे नगण्य माना जाता है। इसकी गतियां दो प्रकार की होती है, चक्रण गति और कक्षीय गति। उसके बाद है, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं, तो 2n² का जो फॉर्मूला है उस पे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस हिसाब से अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वे उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन में 4 होते हैं अंतिम कक्षा में, तो वो जो 4 तत्व होंगे वो कहलाएंगे आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। उसके बाद है, किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, ठीक है। इसके बाद है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है वे चालक कहलाते हैं। जितनी भी धातु है, मेटल है, चांदी है, तांबा है, चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, बहुत आसानी से फ्लो होते हैं ये। हम जो डेटा ट्रांसमिशन में भी यूज़ करते हैं तो मोस्टली चांदी का यूज़ करते हैं, जो फाइबर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर उसमें। उसके बाद है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा या तो प्रभावित नहीं होती, प्रभावित ना हो सकती, या अल्प मात्रा में कठिनाई से प्रवाहित हो सकती है, वे अचालक कहलाते हैं। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट को समझने में, क्योंकि कागज, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, जो आप इंसुलेटर देखते हैं, जो खम्भों में वाइट कलर के जो लगे होते हैं वो इंसुलेटर कहा जाता है, तो उसमें ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और इन दोनों के जो बीच का जो मैटर होता है, मटेरियल होता है, वो कहलाता है अर्धचालक। तो अब अर्धचालक इसमें करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ कंडीशन है जिसमें करंट इसमें फ्लो होगा, कुछ अशुद्धियां मिलानी होती है, तो देख लेते हैं। उन पदार्थों को कहते हैं अर्धचालक जिनकी विद्युत चालकता चालकों, चालक में तांबा, चांदी, इनसे कम किंतु अचालक जैसे कांच, लकड़ी, तो इनसे अधिक होती है, यानी इनकी चालकता दोनों के बीच में होती है। और अपेक्षित प्रतिरोध जो कि दिया हुआ है, इसकी यूनिट ओम मीटर है, इसके बीच में होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, तो ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हैं।
और देखते हैं अर्धचालकों के बारे में, तो कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि के परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में इंडियम तथा गैलियम त्रिसंयोजी तत्व हैं, ये शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, ये त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट तत्व कहलाते हैं, जिन्हें शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाने से पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि त्रिसंयोजी तत्व मिलाने से कौन से टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा पी टाइप का अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे याद रखने का एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पी टाइप अर्धचालक, पी फॉर पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पे होल्स रहेंगे जो कि प्लस का काम करते हैं, और अल्पसंख्यक यानी कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आर्सेनिक तथा एंटीमनी। अब ये आ गया पेंटावेलेंट, तो ये पंच संयोजी तत्व होते हैं, और शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व की डोपिंग करने से, यहाँ पे एन टाइप है, माफी चाहूंगा मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, यहाँ एन होना चाहिए था, तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है ये पंच संयोजी तत्व मिलाने से। फिर एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, वहां पे बहुसंख्यक क्या था, वहां था होल, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तथा अल्पसंख्यक वाहक होल्स होते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है त्रिसंयोजी तत्व के परमाणु को ग्राही परमाणु तथा पंच संयोजी तत्व के परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के पी टाइप अर्धचालक एवं एन टाइप अर्धचालक को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम और ये जो पी टाइप के अर्धचालक है, एन टाइप अर्धचालक को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद है पीएन जंक्शन में आवेश वाहकों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, और इसे ही कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। इलेक्ट्रॉन होल्स के विसरण के कारण पीएन जंक्शन पर एक विभव उत्पन्न होता है। किसकी वजह से? विसरण की वजह से पीएन जंक्शन पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसे विभव प्राचीर, जो डिप्लेशन लेयर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। फिर है जर्मेनियम के विभव प्राचीर, जो डिप्लेशन लेयर है जर्मेनियम के लिए, इसका मान होगा 0.3 वोल्ट। ये इससे ऊपर का अगर वोल्टेज होता है तो वो डिप्लेशन लेयर वहां से हट जाती है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। जबकि सिलिकॉन के लिए प्राचीर का मान कितना होता है? जो विभव प्राचीर है इसका मान होता है 0.7 वोल्ट होता है। फिर है पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है। पीएन जंक्शन में धारा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, इसलिए
इसे एक देशीय युक्ति भी कहते हैं। अब है यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप पदार्थ को, ध्यान से ये सुनिए, यदि पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप पदार्थ को बैटरी के धन, यहां बात हो रही है धन जो पॉजिटिव सिरा है, तथा एन टाइप पदार्थ को बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो यह संयोजन फॉरवर्ड बायस कहलाता है। एग्जाम में आता है कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, और ये जो बैटरी का ये जो सिंबल है ये भी अपना धन वाला है, तो पी टाइप पदार्थ को बैटरी के धन धनात्मक सिरे से और एन टाइप पदार्थ को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित कर दिया जाता है, तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। फिर डायोड के रिवर्स बायस में प्रवाहित धारा को लीकेज धारा कहते हैं। लीकेज धारा ये नुकसान हो जाती है, ये कोई उपयोग में नहीं आती। अधिक धारा वहन क्षमता वाली ठोस अवस्था युक्तियों पर एक ऊष्मा विकिरण खोल चढ़ाया जाता है जिसे हीट सिंक कहते हैं। जो एक्स्ट्रा जो हीट जनरेट होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके, इसलिए हम यहाँ पे खोल, एक मेटल होती है तो उसे क्या कहते हैं, हीट सिंक कहते हैं। रिवर्स बायस अवस्था में किसी डायोड के सिरों पर आरोपित अधिकतम वोल्टेज, ये कह रहा अधिकतम वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। रिवर्स बायस अवस्था में किसी डायोड के सिरों पर आरोपित अधिकतम वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। और जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे एलईडी कहते हैं, तो एलईडी को गैलियम आर्सेनाइड, ये गैलियम आर्सेनाइड का ये शॉर्ट नेम भी है GaAs, या गैलियम फास्फाइड GaP नामक यौगिक से बनाया जाता है। वैरेक्टर डायोड को बैरिकेप डायोड भी कहते हैं, जो कि संधारित्र यानी कैपेसिटर की भांति प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जीनर डायोड। जीनर डायोड आपने देखा होगा, तो जीनर डायोड क्या क्या होता है, ये जीनर डायोड जो है एक दिशा एक दिवसीय ये भी होता है, और ये इसकी एक खास बात होती है कि ये रिवर्स वाइज में वर्क करता है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड अर्थात ब्रेक डाउन डायोड यह उच्च डोपिंग वाला सिलिकॉन अर्धचालक डायोड है जो रिवर्स बायस में कार्य करता है। फोटो कंडक्टिविटी डायोड कैडमियम सल्फाइड नामक अर्धचालक यौगिक से ये बनाया जाता है। फिर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और इसका जस्ट अपोजिट कहलाता है अपना इन्वर्टर। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और इन्वर्टर का प्रयोग डीसी को एसी में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी वोल्टेज को फिल्टर से गुजारा जाता है जिसे पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। तो पल्सेटिंग डीसी प्राप्त करने के लिए एक फिल्टर से गुजारेंगे, जो रेक्टिफायर से जो डीसी करंट प्राप्त होता है। फिर है हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड प्रयोग किया जाता है। तो एक डायोड प्रयोग किया जाता है मींस कि जब वो एक चक्र पूरा होगा तभी ये वर्क करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो फुल वेव है वो दोनों चक्र में यानी फॉरवर्ड बेस में भी और रिवर्स बेस में दोनों में कार्य करता है, तो वो फुल वेव आगे देखेंगे।
ये हाफ वेव रेक्टिफायर में लगा डायोड एसी वोल्टेज की ऋणात्मक चक्र में रिवर्स बायस में हो जाता है, जिससे वह खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है, यानी काम नहीं करता है। फिर है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में से एक मध्य संयोजक सिरा निकला होता है, जिसे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, एसी इनपुट के दोनों अर्धचालकों के डीसी आउटपुट प्रदान करता है। एक बार और देख लेते हैं, जो फुल वेव रेक्टिफायर है, एसी इनपुट के दोनों अर्धचालकों के लिए डीसी आउटपुट प्रदान करता है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ एक, ये दोनों अर्धचालकों के लिए डीसी आउटपुट प्रदान कर रहा है, जबकि वो सिर्फ एक में काम कर रहा था, इसीलिए वो हाफ है, क्योंकि एक ही डायोड लगा हुआ है उसमें। फिर है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड प्रयोग किए जाते हैं, इसमें किसी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला आता है ये क्वेश्चन, कि किसमें, ब्रिज रेक्टिफायर में या हाफ वेव रेक्टिफायर में ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है या नहीं होती। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर में चूंकि चार डायोड होते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर है किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में फिल्ट्रेशन से पूर्व सामान्य प्रकार की धारा मापी द्वारा मापी गई धारा एमएस कहलाती है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी आउटपुट वोल्टेज ये होता है 0.636 वोल्ट होता है। फिर एक किसी रेक्टिफायर में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा पीक प्लेट धारा कहलाती है। ये रेक्टिफायर में प्रवाहित धारा की बात हो रही है यहाँ। उसके बाद है किसी रेक्टिफायर की लोड धारा, जिसे एक माना जा सकता है क्योंकि लोड धारा धारा है जो कि पॉजिटिव में होगी। तो किसी रेक्टिफायर की लोड धारा का मान सदैव उसकी पीक धारा से कम होता है। ठीक है, उसके बाद है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल आवृत्ति इनपुट एसी आवृत्ति की दोगुनी होती है। उसके बाद और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता, अब यहाँ दक्षता की बात की गई है, तो आधी हो जाएगी किससे, फुल वेव रेक्टिफायर से। तो यहाँ पे है 40.6%, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता 81.2% होती है। श्रेणी इंडक्टर फिल्टर में एक उच्च मान के प्रेरक को लोड के साथ श्रेणी क्रम, यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चोक इनपुट एलसी फिल्टर में एक ब्लीडर प्रतिरोधक आरबी का प्रयोग किया जाता है, जो कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित कर वांछित आउटपुट प्रदान करने में सहायक होता है। अगली लाइन है, लो पास फिल्टर एक पूर्व निर्धारित आवृत्ति से कम आवृत्ति की धारा के लिए, जो लो पास फिल्टर है, एक पूर्व निर्धारित आवृत्ति से कम आवृत्ति की धारा के लिए निम्न अवरोध तथा उससे अधिक आवृत्ति के लिए उच्च अवरोध प्रस्तुत करता है। मतलब हमें जैसा आउटपुट चाहिए उस हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाता है। अगली लाइन है, बैंड पास फिल्टर में एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट श्रेणी क्रम में अथवा एक पैरलर, यहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में, और यहाँ की बात करें बैंड पास
फिल्टर में एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट, तो ये हो जाएगा एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये हमने देखा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कॉन्सेप्ट था। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा वो तो कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बताइए कि इस तरीके के अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।